नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं, आपके लिए हमेशा एक वीडियो लाने वाला, तो आज एक वीडियो और आज आपके लिए लेकर के आऊँ हॉनर फोन का। ये हॉनर एक फोन है जिसकी FRP है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा हॉनर के बारे में, पहले मैं इसकी डिटेल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हॉनर, ये हॉली 2 है, वैसे हॉली 2 बोलते हैं इसको, पर ये मॉडल TIT AL00 के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी आप हॉनर हॉली 2 के नाम से, ये हॉली 2 इसका नाम है, बाकी इसका मॉडल आप सर्च कर सकते हैं TIT AL00। तो फ्रेंड, इस समय FRP है, मैं आपको FRP दिखा दूँ। तो चलिए इंग्लिश हम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिए स्किप का बटन तो आ रहा है। फ्रेंड्स, हॉनर में स्किप का बटन दिखता है पर वो आगे का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें FRP लगी होती है। तो हम इसे स्किप करेंगे, स्किप एनीवेज करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू को आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सीम नॉट डिटेक्टेड। अब इसमें हम जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो फिर से बैक हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यही इसमें FRP की पहचान होती है, इसमें FRP लगी हुई है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसकी FRP हम बहुत ही इजी मेथड से हटाएंगे, बहुत ही चुटकी से हटाएंगे। फ्रेंड, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तब आपको जाके समझ में आएगा कि इसकी FRP हम कैसे रिमूव करते हैं। ये हॉनर का हॉली 2, या आप इसे बोल सकते हैं TIT AL00। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हम इसको आपको इजीली तरीके से FRP रिमूव करके दिखाएंगे कि कैसे इसकी FRP हम हटाते हैं हॉनर हॉली 2 का। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने एक फ़ोन देखा है हॉनर का। अब इसकी FRP बहुत ही चुटकी में हटाएंगे, और वो कैसे हटाने वाले हैं फ्रेंड्स, UMT की एवेंजर टूल से हम हटाएंगे। फ्रेंड्स, UMT के एवेंजर टूल से हटाएंगे, इसमें MediaTek CPU लगा हुआ है, तो हम MediaTek यूज़ करेंगे। ये UMT का मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, UMT का है एवेंजर सेटअप, मैं एवेंजर सेटअप चलाऊँगा और इसे ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो जब से ये ओपन हो रहा है तो दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन, नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमें जितने भी नए वीडियो मिले वो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखिए हमारा एवेंजर बॉक्स खुल चुका है। फ्रेंड, देख सकते हैं एवेंजर MTK का बॉक्स खुल चुका है। इससे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप हमेशा फ्रेंड्स डिवाइस मैनेजर को भी खोल के रखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि फ्रेंड्स इसमें हमारे डिवाइस मैनेजर कनेक्ट, हमारा फ़ोन जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है या डिसकनेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको हमेशा डिवाइस मैनेजर को खोल के चलना होता है। फ्रेंड, चलिए, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं है इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। हमने डिवाइस मैनेजर खोल लिया, हमारा एवेंजर बॉक्स भी कम्प्लीट हो गया है। फ़ोन को आपको प्रॉपर तरीके से ऑफ़ कर देना है। फ्रेंड्स, ऑफ़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है, आपको दिख रहा होगा टैब, यहाँ पे बहुत सारे टैब हैं इसके एवेंजर के टैब। अब कहेंगे, कमेंट्स करके बोलेंगे कि आप एवेंजर के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो एवेंजर टूल के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे देख रहे होंगे FRP लिखा, FRP पैटर्न लिखा हुआ है, प्राइवेसी है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो मेन हमारा है FRP, तो यहाँ पे आपको FRP का टैब दिख रहा है। फ्रेंड, अगर इसको आप डायरेक्ट FRP पे क्लिक करेंगे तो ये बूट लोडर का एरर आएगा, इसमें नहीं होगा। तब आपको इस पर देखना है कि इसमें मॉडल है कि नहीं है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारा मॉडल हवाई, इसको हवाई या हॉनर दोनों बोलते हैं, तो हमारा हवाई, देखते हैं हवाई होगा, इसमें हवाई मिल गया। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमारा जो मॉडल था, यहाँ पे आपको बहुत मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, अगर यहाँ पे भी मिस्टेक करेंगे तो आपका कभी भी ये फ़ोन FRP नहीं हटेगा। फ्रेंड, तो आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तब सारी से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे हॉली 2, देखिए सब कुछ लिखा है, हॉली 2 प्लस, हॉली 2 प्लस, हॉली 2 प्लस लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं TIT 1 2 3 4 मॉडल हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे क्या करना है, हॉली ओनली, हॉली नहीं, हॉली प्लस है ये हमारा फ़ोन जो भी है, तो आपको यहाँ पर रॉ लेना है, मी नहीं लेना है, यहाँ पे आपको रॉ लेना है। अगर आप मी ले लेंगे फ्रेंड्स तो नहीं होगा, आपको यहाँ पे हॉली प्लस TIT वाला और रॉ लेना है, तब जाके इसकी FRP निकलेगी। अब फ्रेंड्स, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, बस FRP रिसेट पे क्लिक कर देना है, इससे हमें यस कर देना है। अब मैं फ्रेंड्स बता दूँ, इसकी वैल्यूम अप डाउन दोनों दबा करके आपको कनेक्ट करना है। फ्रेंड, वैल्यूम अप डाउन दबा के आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है, जैसा कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये कनेक्ट होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्राइवर डिटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वी कॉम्प्लीटर ड्राइवर डिटेक्ट हो चुका है। फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ड्राइवर डिटेक्ट हो चुका है, और बहुत ही कितना, एक मिनट भी नहीं लगा होगा, हमारी FRP रिमूव हो गई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी FRP, एक सेकेंड भी नहीं लगा होगा इस टूल से, FRP रिसेट डन हो चुका है। आप फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि ये देखिए, एक सेकंड भी नहीं लगा होगा फ्रेंड्स, हमारी FRP डन हो गई। एक सेकंड, दो मिनट, एक मिनट भी नहीं लगा है, 30 सेकंड के अंदर में जैसे ही चेक हुआ, हमारा ड्राइवर डिटेक्ट हुआ और हमारा काम हो गया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं,
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगा और हमारी ये फायर पे रिमूव हो गई फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फ़ोन को दिखाऊंगा कि फ़ोन हमारी ये फायर पे हटी कि नहीं हटी। तो मैं फ़ोन को फ्रेंड्स ऑन करूंगा, ये देखिए फ़ोन हमारा प्रॉपर तरीके से, कोई भी नुकसान, कोई भी डेड रिक्स नहीं हुआ, वही फ़ोन है फ्रेंड्स जो कि हमने यहाँ पे करके दिखाया है। आपको यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट करना है और होली 2 प्लस आपको लेना है, और आपका जो ये मॉडल है TI-T, ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स किसके फायर पे हटेगी नहीं। तो फ्रेंड इसकी फायर पे आपको बहुत इजी मेथड से हट गई, 1 मिनट के अंदर में हट चुकी है फ्रेंड। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अब वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको इसको पूरी ऑन होने तक, ये थोड़ा सा बूट करने में, हॉनर बूट करने में टाइम लगेगा, तो मैं इसके बूट करने में टाइम भी नहीं लगा फ्रेंड्स, जल्दी से ही हो गया। ये देखिए हमारा सेटअप स्टार्टअप हो गया है, नेक्स्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर स्किप करेंगे फ्रेंड्स, फिर से वही प्रोसेस आ रहा है स्किप एनी वे। फिर से एक बार जैसे कंटिन्यू हमने किया था तो उस समय बैक हो गया था। अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। जैसे हमने किया तो देखिए फ्रेंड्स हमारा हो गया है, मतलब बैक नहीं हुआ, फ़ोन हमारा प्रॉपर तरीके से FRP हट चुका है। इसे एग्री कर देना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। ये देखिए कंग्रेचुलेशन सक्सेसफुल। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं ये फ़ोन हॉनर होली 2 प्लस, ये हमारा इजीली तरीके से फायर पे रिमूव हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।